अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं, डेट इज अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या जरूरी होता है? बिल्कुल, समाज में रहने के लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है, स्कूल में रहने के लिए जरूरी होता है, बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है। हर चीज़ में जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो जितना डिसिप्लिन में रहता है, जो जितना अनुशासन में रहता है, ज़रूरी है कि वह उतना ही तरक्की करे, वह उतना ही उन्नति करे, क्योंकि किसी की तरक्की बिना अनुशासन के संभव नहीं है। जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो हम अनुशासन में बच्चे को तब रहना सिखाते हैं जब बच्चा छोटा होता है, शैशव अवस्था में होता है, तभी हम उसको बच्चे को सिखा देते हैं ये कार्य अनुशासन में है, यह कार्य अनुशासन में नहीं है, यह कार्य पसंद है इसलिए अनुशासन में है। या अनुशासन किसे कहते हैं, अपनी हर समाज में एक कार्य करने को एक लिमिट होती है कि इस कार्य को इस लिमिट तक करा जाता है तो वह अच्छा माना जाता है, वह अनुशासित माना जाता है। इस कार्य को ज़्यादा करने से वह अनुशासित नहीं रहता है। जैसे बच्चे ने यदि स्कूल में एक बार होमवर्क नहीं किया तो वह अनुशासनहीनता नहीं कहलाएगी, परंतु वो होमवर्क डेली नहीं कर रहा है और उस चीज़ को रिपीट पे रिपीट कर रहा है, साल भर, दो साल, तीन साल वो कंटिन्यू रिपीट करता है, तो बच्चा अनुशासनहीन कहलाता है। ठीक है, तो अनुशासन का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अनुशासन से ही समाज चलता है, अनुशासन से ही देश चलता है, और अनुशासन के कारण ही दुनिया चलती है। परंतु अनुशासन हमें कब सिखाना चाहिए, बच्चे को? बच्चा शैशवावस्था में होता है तब बिल्कुल सही राइट टाइम होता है अनुशासन सिखाने के लिए। तो अनुशासन के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसमें सबसे पहला है प्रभुत्वात्मक प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति में पेरेंट्स जो होते हैं वह बच्चे की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बहुत कठोर होते हैं, बहुत रिजिड वाले होते हैं कि यस यू हैव टू डू दिस, इसके अलावा कुछ सुनना नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, बच्चों का मन कुछ और करने को हो रहा है, परंतु पेरेंट्स ने जो कह दिया डेट इज़ फाइनल। रिजिडनेस जिसमें होती है बट कठोर होते हैं। अगर करा आपने तो आपको इनाम तो नहीं मिलेगा, परंतु आपने नहीं करा तो आपको कठोरतम सजा जरूर मिलेगी। मैं पुनः रिपीट कर दूँ, कठोर नहीं, कठोरतम सजा अवश्य मिलेगी। इसी को बोलते हैं प्रभुत्वात्मक अनुशासन, जिसमें बच्चे का मायना नहीं रखता है, बच्चे की बात को सुनी नहीं जाती है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक, या आपने सुनी रखा होगा, हमारा देश भी प्रजातांत्रिक नीति को अपनाता है। इसके अंदर कुछ बच्चे की सुनी जाती है, कुछ पेरेंट्स की सुनी जाती है, दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। कई बार बच्चा होता है, फॉर एन एग्जांपल यदि हम देखें तो बच्चे का पढ़ने, पेरेंट्स तो चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, परंतु बच्चे का इस समय इच्छा नहीं होती है कि बच्चा पढ़ाई करे, तो बच्चा अपना बात पेरेंट्स के सामने रख देता है। किसमें? प्रजातंत्र, कि मैं आधे घंटे बाद इस कार्य को निप कर सकता हूँ, मैं मन लगा के आधे घंटे बाद पढ़ूंगा। तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, ओके, आधा घंटा हमने आपको दिया। वही प्रभुत्वात्मक में क्या होगा, पेरेंट्स क्या करेगा, आपको अभी, आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, आपको अभी पढ़ना है और आपको अभी याद करके इतने टाइम में सुनाना है, डेट इज प्रभुत्वात्मक। प्रजातांत्रिक में बच्चे ने कहा, पेरेंट्स ने मान लिया, हो सकता है अभी मान लिया, नेक्स्ट टाइम पे नहीं मानी जाए बात, ये बात नहीं कह रहे हम। तो वो क्या है प्रजातांत्रिक, कभी पेरेंट्स की बात रखी जाती है, कभी बच्चे की बात रखी जाती है, डेट इज प्रजातांत्रिक अनुशासन। लास्ट में होता है अनुमतिपूर्ण अनुशासन। इसके अंदर पेरेंट्स जो होते हैं वह बच्चे की हर बात मानी जाती है, ठीक है। और ये आजकल जो अनुमतिपूर्ण प्रवृत्ति हो रही है ये बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है, बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा चलन में इसलिए है क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं उनके एक या दो ही चाइल्ड प्रेफर करते हैं, एक दो चाइल्ड करने के कारण वो उनके बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं नंबर में तो पेरेंट्स को उतने प्यारे नहीं होते हैं, परंतु चूँकि वो सिंगल चाइल्ड है तो सारा ध्यान पेरेंट्स का किसके ऊपर है, उसी चाइल्ड के ऊपर है। तो जो बच्चा कहता है, जो बच्चा सोचता है, पेरेंट्स उसके हिसाब से उसको अनुशासन में रखते हैं। तो इसमें तो बच्चा जो कहता है वो करता है। बच्चे को आज कहेगा मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है आपको नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, एंजॉय योर लाइफ। तो ये वाला और ये वाला जो तरीका होता है, दोनों तरीके में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे के बिगड़ने के, बच्चे के अनुशासनहीनता की तरफ मार्ग पे चलने के। वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्रभुत्वात्मक में बच्चा चाहता है,
तब भी अपनी जो भी बात है वो पेरेंट्स के सामने नहीं कह पाता है, वो समाज के सामने नहीं कर पाता है, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, उसके संवेगों पे अंकुश लग जाता है। तो और इसमें क्या होता है, बच्चा जो क्योंकि बच्चे को छूट मिली होती है, बच्चा जैसा मर्जी हो वैसा कर सकता है, तो दोनों परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें अनुशासनहीनता की मार्ग की तरफ बच्चा अग्रसित हो जाता है। परंतु प्रजातांत्रिक प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें कि पेरेंट्स का कंट्रोल होता है बच्चे के ऊपर, और बच्चा की इच्छा और पेरेंट्स की इच्छा, पेरेंट्स का समाज का अपेक्षा, इन सब की बातों को ध्यान रख के बच्चा उसमें अनुशासन के मार्ग की तरफ अग्रसित होता है। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी दो है उसके अंदर बच्चा अनुशासन मार्ग की तरफ अग्रसित नहीं होगा। हो सकता है कि बच्चा उसमें अनुशासन मार्ग की तरफ अग्रसित हो, परंतु ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रजातांत्रिक जो अनुशासन होता है उसमें बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से अनुशासन सीखता है और नियमों का पालन करता है। अब उसको माता पिता किस तरीके से चुनाव करते हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इन प्रवृत्तियों को चुनाव करने वाले कारकों में अभिभावक के द्वारा अपना के लिए अपनाई गई प्रवृत्तियाँ, मैं मेरे बच्चों के लिए वही प्रवृत्ति अपनाऊंगी जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए अपनाई थी। समझ रहे हैं बात को, जो पेरेंट्स के ग्रांट के पेरेंट्स ने जो मेथड फॉलो करो था अनुशासन में लाने का, पेरेंट्स भी वही सोचते हैं कि हाँ मैं मेरे बच्चों को भी सेम ट्रैक पे सेम मेथड से पालूं ताकि जैसा मैं रहूं वैसा ही बच्चा हो। तो अभिभावकों को जिस मेथड से, तीनों में से जो भी मेथड अपनाया गया हो, जिस मेथड से पाला पोसा जाता है, जिस मेथड से अनुशासन सिखाया जाता है, बच्चे को भी उसी मेथड से पेरेंट्स चाहते हैं कि वह अनुशासन सिखाएं। नेक्स्ट है अभिभावक और शिक्षकों की आयु। यदि अभिभावक की एज ज़्यादा है तो उसके नियम कठोर होंगे, तो वह मैक्सिमम इस वाले प्रभुत्वात्मक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करना चाहेगा यदि उसकी एज ज़्यादा है तो। यदि पेरेंट्स की एज कम है, जल्दी शादी हो गई है, तो वह अनुमतिपूर्ण या प्रजातात्मक की तरफ ज़्यादा जाना चाहेगा। प्रशिक्षण, पेरेंट्स को यदि प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, आजकल बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं कि आपको बच्चे को अनुशासन में लाना है, आपको बच्चे का विकास करना है, आपके विभिन्न तरह के विकास बच्चे के होंगे, तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ये तरीके के विकास हो रहे हैं, ये एक तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है ना। तो यह अगर ट्रेनिंग पेरेंट्स को मालूम होती है, यह पता होता है ट्रेनिंग्स को, तो उस ट्रेनिंग के हिसाब से बच्चे को अनुशासन में रखा जाता है। उसको ये पता होता है कि प्रभुत्वात्मक के क्या पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, प्रजातांत्रिक के क्या पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, अनुमतिपूर्ण के क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो उस हिसाब से बच्चा जो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, तो वह उस हिसाब से बच्चे को का लालन पालन करने लग जाते हैं। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो हो सकता है प्रजातांत्रिक तरीके के पश्चात पेरेंट्स को प्रभुत्वात्मक तरीका को अपनाना पड़ेगा। अभिभावक का लिंग फादर का है तो उसका व्यवहार थोड़ा अलग होगा बच्चों के प्रति, मदर है तो उसका व्यवहार अलग होगा। इसे मुझे लगता नहीं इस पॉइंट को आप लोगों को समझाने की जरूरत पड़ेगी। फादर है थोड़े से कठोर होते हैं, कड़क होते हैं, दे प्रभुत्वात्मक की तरफ ज़्यादा अग्रसित होते हैं कि वे चाहते हैं कि बच्चा वैसा ही करे, उसका अनुशासन में नियमों का पालन बहुत ज़्यादा तरीके से करे। वहीं जो मदर होती है वह थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड होती है, नरम दिल की होती है, वह क्योंकि फादर सॉफ्ट हार्ड हार्टेड है, तो मदर क्या करती है, मदर को प्रजातांत्रिक रूप से अपनाना पड़ता है। और ये कठोरता और ये नरमता दोनों जब इक्वल रूप से चलते हैं, तभी बच्चा सबसे ज़्यादा अनुशासन में रहता है। जब पेरेंट्स के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, एक बहुत ज़्यादा कड़क है, एक नरम दिल का है, बहुत नरम भी नहीं बहुत कड़क भी नहीं, तो जब जो फादर कड़क है और मदर नरम है, तो बच्चा जो है वो राइट डायरेक्शन में अनुशासन में चलता है। बच्चे का लिंग, जब हम ये देखते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में बात करते हैं, तो आज भी इंडियन में गर्ल्स के प्रति थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा होते हैं, उन्हें अनुशासन में ज़्यादा रखा जाता है कंपैरेटिवली बॉयज़ के। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को अनुशासन में रहने की ज़रूरत नहीं है,
मेरे ओपिनियन में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को अनुशासन में इक्वली रखना चाहिए। जितना लिमिट में आप गर्ल्स को रखते हैं उतने लिमिट में आपको बॉयज भी को भी रखना चाहिए। परंतु हिंदुस्तान में आज भी 21वीं सदी में ये होता है, गर्ल्स के ऊपर अनुशासनात्मक रूल ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स को प्रभुत्वात्मक रूप से ज़्यादा पाला जाता है, जबकि बॉयज को अनुमति पूर्ण रूप प्रजनता से ज़्यादा पाला जाता है। बालक की आयु की जब हम बात करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये मेन तीन में बांटा गया है। तो जो शैशवावस्था होती है तो जनरली अनुमतिपूर्ण बच्चे के साथ में व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पता होता है कि बच्चे को अभी ज्ञान नहीं है, अभी उस बच्चे को समझ नहीं है, बच्चा अपने हिसाब से ही कार्य करना लग जाता है, तो उसके साथ में अनुमतिपूर्ण अनुशासन प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बच्चा यदि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है तो उसको अनुशासन में ढालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसे उस समाज में रहने के लिए अनुशासन बताना पड़ता है, इसलिए पेरेंट्स पर प्रभुवात्मक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो नियम कायदे कठोर कर देते हैं और पेरेंट्स को उनके बच्चों को पेरेंट्स के हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। जबकि जब बच्चे टीनेजर्स में आ जाते हैं तब पेरेंट्स प्रजातांत्रिक रूप से व्यवहार करना चालू कर देते हैं, जिसमें पेरेंट्स क्या कहते हैं, बच्चे की कुछ मर्जी, कुछ पेरेंट्स की मर्जी, आपस की अंडरस्टैंडिंग करके वह अनुशासन में लाना चालू कर देते हैं। प्रौढ़ भूमिका का प्रत्यय, जितना रीति रिवाज के प्रति सुदृढ़ होंगे, जितना रीति रिवाज को ज़्यादा माने जाएंगे, जितनी परंपराओं को लेके साथ में चलेंगे, उतना अनुशासन कौन सा होगा, प्रभुवात्मक होगा। जितना रीति रिवाज को कम मानेंगे, जितनी परंपराओं को कम मानेंगे, उतना ज़्यादा अनुमतिपूर्ण और प्रजातांत्रिक अनुशासन मत प्रवृत्ति की ओर अग्रसित होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम परंपराओं रीति रिवाजों का निर्वाह करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमें ये कार्य करने ही हैं, उसके लिए इफ्स और बट्स की कोई जरूरत नहीं होती है। दैट इज़ फाइनल कि अगर ये काम होगा और इस तरीके से ही होगा और इस समय ही होगा और इस व्यक्ति के द्वारा ही होगा, तो वह उसके लिए इफ्स और बट्स की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, दैट इज़ प्रभुतात्मक। ठीक है, तो जितना ये हमें नहीं कहते हैं कि बच्चे को अनुशासन में रखने के लिए एक ही प्रवृत्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ही मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चे को अनुशासन में रखने के लिए विभिन्न मेथड्स का समय समय पर समय की परिस्थिति के अनुसार बच्चे के साथ में व्यवहार करना चाहिए। परंतु अनुशासन में रखना बच्चे को बहुत ही आवश्यक है। बच्चा यदि अनुशासन में रहेगा तभी सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, उस बच्चे का पर्सनल विकास, हर तरीके का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। अब हम ये देखते हैं कि अनुशासन की जीवन में आवश्यकता क्यों होती है। हम कहते हैं कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, हमें अनुशासन में रखना चाहिए बच्चों को, तो अनुशासन में रखना या रहना क्यों चाहिए। सबसे पहला कारण है सामाजिक सुरक्षा हेतु। जब हम अनुशासन में रहेंगे, जब हमारे बच्चे अनुशासन में रहेंगे, तभी समाज की सुरक्षा रहेगी, सामाजिक सुरक्षित रहेगा, असामाजिक गतिविधियों पे प्रतिबंध रहेगा, असामाजिक गतिविधियों में रुकावट रहेगी। जब हर समाज का व्यक्ति अनुशासित है और अनुशासन बचपन से ही सिखाया जाता है, तो जो जितना अनुशासित है, जो समाज जितना अनुशासित है, उसमें असामाजिक गतिविधियां उतनी कम है और समाज की तरक्की उतनी ही ज़्यादा है। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए जैसा चोरी है, डकैती है, जितने भी गलत कार्य होते हैं समाज के, वो कार्य ना हो, समाज सुरक्षित रहे, इसके लिए अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। और अनुशासन की नींव जो है वह बचपन में ही रख दी जाती है, तब बच्चा जाके अनुशासित रहेगा। अनुशासन में रहने का मतलब है उसे ये पता होगा कि यह चीज़ सही है और यह चीज़ गलत है, यह समाज के हिसाब से सुरक्षित है, यह समाज के हिसाब से असुरक्षित है, और मुझे यह कार्य करना चाहिए, तब मैं एक अनुशासित व्यक्ति या अनुशासित बच्चा कहलाया जाऊँगा। तो समाज की सुरक्षा के लिए अनुशासन का रहना बहुत ज़रूरी होता है। सफलता के हेतु, बिल्कुल
जब हम हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ लिखना है या हमें बड़ा बड़ा व्यक्तित्व बनना है, तो बड़ा व्यक्ति की आप हमेशा देखिएगा, चाहे वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वह बहुत बड़ा नेता हो, चाहे वह बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे देखेंगे जब वह व्यक्ति, उसने सफलता कब प्राप्त करी, जब वह अनुशासन में रहा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अनुशासन में रहा, उसने गतिविधियों पर रोक लगाई, उसने ये अनुशासन बनाए रखा कि मुझे सवेरे उठ के इतने समय तक योगा करना है, मुझे उसके बाद पढ़ाई करनी है। मेरा ध्येय, मेरे जीवन का ध्येय है कि मुझे एक सफल व्यक्ति के साथ में एक स्वस्थ व्यक्ति भी बनना है। क्योंकि मुझे सफल व्यक्ति के साथ में स्वस्थ व्यक्ति भी बनना है, तो मुझे दोनों कार्य करने पड़ेंगे, शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य। तो मैंने सुबह उठ के डेली, अनुशासन का मतलब है नियम से कार्य करना, है ना। तो मैंने नियम से कार्य करा, मैंने प्रातः सुबह उठ के योगा करा, फिर मैंने अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और मैंने नियमित रूप से 7-8-9 घंटे जितने भी पढ़ाई की मुझे आवश्यकता थी, अनुशासित होके, मैं पुनः रिपीट करूंगी इन्वर्टेड कॉमा में, अनुशासित होके मैंने पढ़ाई करी, तब जाके मुझे सफलता प्राप्त करी। जितने भी आपने देखा होगा इंटरव्यूज आते हैं न्यूज़पेपर, यदि आप पढ़ते हो, और नहीं पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। न्यूज़पेपर आप देखेंगे कि इंटरव्यूज जितने भी आते हैं सफलता के, उन्होंने बोला कि मैंने नियमित रूप से अनुशासित होकर यह कार्य किया, इसलिए मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो सफलता के लिए अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। सामाजिक समायोजन हेतु अनुशासन रहेगा तभी तो समाज का समायोजन, समाज के साथ में हम समायोजित हो सकेंगे। यदि हमारे में अनुशासन ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा तर्क प्रस्तुत करते जाएंगे, नियमित रूप से हमारा तर्क प्रस्तुत करेंगे, हम सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला बच्चा क्या कहना चाह रहा है हम ये नहीं सोचेंगे, हम ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि हमें सामाजिक समायोजन बनाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज की तरक्की करनी है, उसके लिए सामाजिक समायोजन की आवश्यकता बहुत होती है। और सामाजिक समायोजन तब होता है जब समाज अनुशासित होता है। और समाज किससे बनता है, परिवार से, परिवार में सभी सदस्य गुण से मिलकर बनता है। तो हर बच्चे में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक होता है। नैतिक विकास के लिए, नैतिक विकास से आपको समझ ही रहे होंगे, नैतिक विकास से तात्पर्य होता है बच्चों में अच्छे गुण विकसित करना। ठीक है, जब हमने बच्चे को ये कह दिया, जब हमने बच्चे को अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ा दिया, तो बच्चों में नैतिक गुण उतने कम होंगे। जब हमने बच्चे को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, तो बच्चों में नैतिक गुण ज़्यादा होंगे। आप ये देखें, नैतिक गुण ज़्यादा है, अनुशासन ज़्यादा है, नैतिक गुण ज़्यादा है, समाज अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, सफलता की ओर बच्चा अग्रसित होता है। तो यह एक कड़ी दूसरी कड़ी से, दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से रिलेटेड होती है, है ना। तो समाज अनुशासन ऐसा है जो कि इन सब कड़ियों को जोड़े रखता है। अगर बच्चा अनुशासित है, तब वह दूसरों से समायोजन करेगा, तब उसके नैतिक विकास अच्छी तरीके से होगा, उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे होंगे या उसमें पॉजिटिव गुण ज़्यादा अच्छे होंगे। इसलिए बच्चे को अनुशासन में रखना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यों की पहचान। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, डू एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी, है ना। समाज में यह पॉइंट्स अच्छे हैं, यह पॉइंट्स गंदे हैं। चोरी करना गंदी बात होती है, किसी को परेशान करना गंदी बात होती है। यदि हम बच्चों की बात करें, किसी का सामान उठा जानबूझकर या अनजाने में लेके आना गलत बात होती है, यह सामाजिक मूल्य है। किसी बच्चे का खाना खा लेना गलत बात होती है, किसी बच्चे का खाना गिर जाए तो अपना खाना उसको शेयर कराना, यह अच्छी मूल्यों में से आता है। तो समाज ने कुछ नियम कायदे बना रखे हैं, कुछ मूल्य बना रखे हैं कि यह मूल्य अच्छे हैं और यह मूल्य खराब है। अच्छे मूल्यों को बढ़ाना है और खराब मूल्यों को घटाना है। और अच्छे मूल्य तब बढ़ सकते हैं जब व्यक्ति या बच्चा अनुशासन में रहे। तो अनुशासन का सामाजिक मूल्यों की पहचान में और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उत्तम स्वास्थ्य हेतु इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये ले सकते हैं हम कि बच्चा अनुशासनहीन है खाने में। ठीक है, बच्चा अभी जंक फूड खा रहा है, उसके बाद कुछ और फूड खा रहा है। इस तरीके से बच्चा दिन भर जंक फूड खा रहा है या दिन भर एक्स्ट्रा अमाउंट में डाइट ले रहा है। ठीक है, तो चूंकि वह जंक फूड और एक्स्ट्रा डाइट ले रहा है, जितनी डाइट बच्चे से होनी चाहिए या कम डाइट ले रहा है, तो वो क्या है, अनुशासनहीनता हो गई बच्चे की।
जो लिमिट में डाइट लेनी चाहिए हमें, तो हम तो यही कहते हैं हमेशा न्यूट्रिशन जो होता है वो लिमिट में होना चाहिए, ताकि बॉडी माल नरिश ना हो और ओवर नरिश ना हो। समझते हैं आप लोग? मेरे ख्याल से माल नरिश और ओवर नरिश का मतलब, ओवर नरिश मतलब बच्चे को ज़्यादा किसी न्यूट्रिशन का मिलना, और माल नरिश मतलब किसी न्यूट्रिशन का कम मिलना। ठीक है, तो माल नरिश भी एक अच्छी स्थिति नहीं है और ओवर नरिश भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये माल नरिश होना, ये ओवर नरिश होना डिपेंड करता है बच्चे का खाना पीना कैसा है। ठीक है, अब बच्चे का खाना पीना अच्छा नहीं है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। बच्चे का खाना पीना अच्छा नहीं है क्योंकि बच्चे का खाने के मामले में बच्चा अनुशासनहीन है। चूँकि वह अनुशासनहीन है खाने के मामले में, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन रहेगा तब बच्चा लिमिट में खेलेगा, खेलने के बाद में बच्चे को स्वयं को भूख लगेगी, और भूख लगने के बाद स्वस्थ खाना खाएगा। तो अनुशासन खेल में, खाने में, पढ़ाई में, और इन सब के साथ में इन सब का जो मेलजोल होता है वो क्या होता है? उत्तम स्वास्थ्य। तो अनुशासन से बच्चा उत्तम स्वास्थ्य को पा सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो सकता है, परंतु अनुशासन से योगा करके, एक्सरसाइज करके, पर्टिकुलर डाइट लेके, डाइट प्लान लेके बच्चे ने अपना अनुशासन से अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया। तो स्वास्थ्य का और अनुशासन का एक बहुत ही ज़रा मेलजोल होता है। जितना अच्छा अनुशासन रहेगा उतना ज़्यादा स्वास्थ्य रहेगा। व्यक्तित्व विकास हेतु, बट ऑब्वियसली बात है, व्यक्तित्व का विकास कब होगा? जब बच्चा अनुशासन में रहेगा। जितना बच्चा अनुशासन में है उतना ज़्यादा व्यक्तित्व निखर के आता है। हम ये नहीं कहते कि हम प्रभुत्व वाले अनुशासन की बात नहीं करते, जिसमें माँ बाप बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं बच्चे को, ये आपको करना है तो आपको करना ही है, ना टाइम देखा जाएगा, ना समय सीमा देखी जाएगी, कुछ भी जो पेरेंट्स ने कह दिया वही काम होना चाहिए। हम उस अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रजातांत्रिक अनुशासन की, जिसमें पेरेंट्स की और बच्चे का दोनों का मेलजोल रहता है। अगर इस तरह का अनुशासन है और उस अनुशासन में बच्चा लंबे समय तक कार्य कर रहा है, लंबे समय तक उस अनुशासन में रह रहा है, तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व का विकास की दर उतनी अच्छी होगी, या व्यक्तित्व का विकास उतना अच्छा होगा बनिस्बत उस बच्चे के जो बच्चा अनुशासन में नहीं रह रहा है। तो यदि स्टडी की जाए कि अनुशासन में बच्चे को रख के और बिना अनुशासन में बच्चे को रख के, तो निश्चित तौर पे यह आएगा रिजल्ट, यह हाइपोथेसिस कहलाई जा सकती है कि जो बच्चा अनुशासन में रह रहा है उसका व्यक्तित्व विकास उतना अच्छा होता है। तो आपने ये देखा कि अनुशासन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। यदि हम अनुशासन को हमारे जीवन में, नित्य जीवन में अपना लेते हैं, तो अनुशासन से हमारा बहुत विकास होगा, अनुशासन से समाज का विकास होगा, निश्चित रूप से समाज का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, एक अच्छा करियर का निर्माण होगा, और समाज के साथ का विकास होगा तो देश का भी विकास रहेगा। इसलिए संयमित रहें और अनुशासित रहें।